व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल 2020 का मैच नंबर 2, एक तरफ है पंजाब के किंग्स 11 और दूसरी तरफ है दिल्ली के शेर, और कौन जीतने वाला है ये मुकाबला, क्या हो सकती है प्लेइंग 11, सब कुछ बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो आईपीएल 2020 का मैच नंबर 2 खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। 7:30 PM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये मुकाबला चालू होगा। 20 सितंबर संडे को ये मुकाबला खेला जाएगा और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में ये मुकाबला खेला जाएगा। देखो यार, बात करें तो दोनों टीमों का पहला मुकाबला है और ऑब्वियसली दोनों टीमें यह चाहेगी कि पहले ही मुकाबले से एक परफेक्ट प्लेइंग 11 वो बना ले, एटलीस्ट एक थोड़ा कॉम्बिनेशन, वो आइडियल कॉम्बिनेशन लेके चले कि आगे जाके टूर्नामेंट में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही में बात करें तो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है वो अवेलेबल रहने वाले हैं, तो दोनों टीमों के ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस यहां पर अवेलेबल रहेंगे, एलेक्स केरी है, तो यहां पर थोड़ी अच्छी खबर है कि मैक्सवेल और स्टोइनिस खेल सकते हैं, यहां पर अवेलेबल है बिल्कुल से खेलने के लिए। बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। तो दिल्ली की तरफ से शिखर धवन और पृथ्वी शॉ या अजिंक्य रहाणे ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पे खेलेंगे शिमरन हिटमायर, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर और नंबर 5 पे ऋषभ पंत। इसके बाद दो ऑलराउंडर खेलेंगे, नंबर 6 पे मार्कस स्टोइनिस और नंबर 7 पे रविचंद्रन अश्विन। और अगर आप देखते हो तो नंबर 7 तक काफी अच्छी बैटिंग हो जाएगी यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास। इसके बाद इनके 4 बॉलर्स आ जाएंगे, नंबर 8 पे अमित मिश्रा, नंबर 9 पे संदीप लामिछाने, नंबर 10 पे कगिसो रबाडा और नंबर 11 पर ईशान शर्मा या हर्षल पटेल में से कोई एक। अब देखो, ईशान शर्मा खेलते हैं तो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन अगर हर्षल पटेल खेलते हैं तो आपको पावर प्ले में भी ठीक ठाक डिसेंट सी बॉलिंग करके दे देंगे, और हर्षल पटेल आप नीचे एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी यूज कर सकते हो, अच्छे खासे यहां पर बैटिंग भी कर सकते हैं हर्षल पटेल। तो अब देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम किसके साथ जाती है। अक्षर पटेल का भी ऑप्शन है, अब अक्षर पटेल को कहां खिलाओगे देखना पड़ेगा। बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की टीम की, तो पंजाब की तरफ से केएल राहुल और क्रिस गेल ओपनिंग करने वाले हैं, ये श्योर है। नंबर 3 पे मयंक अग्रवाल खेलेंगे, नंबर 4 पे करुण नायर या सरफराज खान, दोनों में से कोई एक खेलने वाला है, और नंबर 5 पे ग्लेन मैक्सवेल खेलने वाले हैं। अब ऑब्वियसली मैक्सवेल ऊपर बैटिंग करने भी आ जाएंगे, और नंबर 6 पे मनदीप सिंह खेलने वाले हैं। तो नंबर 6 पे मनदीप सिंह एक फिनिशिंग का रोल अदा करने वाले हैं। बात करें इनके ऑलराउंडर्स की, तो नंबर 7 पे जिमी नीशम खेल सकते हैं और नंबर 8 पे कृष्णप्पा गौतम। अब जिमी नीशम को अगर आपको नहीं खिलाने तो उनकी जगह आप क्रिस जॉर्डन या शेल्डन कॉटर के साथ भी जा सकते हो, लेकिन नीशम एक काफी अच्छा सेफ ऑप्शन रहने वाला है। और इसके बाद इनके मेन बॉलर्स आ जाएंगे, नंबर 9 पे मुजीबुर रहमान जो इन फॉर्म चल रहे हैं, नंबर 10 पे मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर ईशान पोरेल खेल सकते हैं। अब ईशान पोरेल की जगह आप रवि बिश्नोई को भी खिला सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज्यादा स्पिन हो जाएगी। तो ये मेरी आइडियल प्लेइंग 11 किंग्स 11 पंजाब की रहने वाली है फर्स्ट मैच के लिए। बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की, तो मेरे को लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहां पर बाजी मार जाएगी और दिल्ली की टीम यहां पर मुकाबला जीतने वाली है, क्योंकि शिमरन हेटमायर अभी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, कगिसो रबाडा है, संदीप लामिछाने भी अभी बहुत अच्छी फॉर्म में थे सीपीएल 2020 में, हेटमायर अय्यर पंत बहुत अच्छी इनकी बैटिंग लाइनअप है, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहला मुकाबला जीतने वाली है। आपकी क्या मैच प्रेडिक्शन है कि आईपीएल 2020 का दूसरा मुकाबला कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके बिल्कुल से बता देना। मैं अर्जित जैन मिलूंगा आपसे आईपीएल 2020 के सारे मैच के प्रीव्यूज के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।